जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त राधेश्याम भावसर। तो आज एक साड़ी ड्राई क्लीनिंग के लिए आई है। ये साड़ी थोड़ी बहुत ख़राब तो है, बट मुझे एक स्टेन है जो रिमूव करना है। ख़राब है मतलब, और बीच बीच में ऑयल स्टेन है, बट हमें ऑयल स्टेन की नहीं ज़्यादा चिंता है। तो हमें ये ब्लड स्टेन जो है वो रिमूव करना है। इस साड़ी में ब्लड स्टेन है। ये तो ये ब्लड स्टेन है, ये हमें रिमूव करना है। और साड़ी देख लीजिए आप, ब्लड स्टेन है इस साड़ी के ऊपर। तो ये हमें रिमूव करना है। तो मैं क्या क्या प्रोसेस करता हूँ ये आपके साथ में शेयर करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। सिंपल सी प्रोसेस है जो आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह आते हैं, वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और मैंने पहले भी किया है तो मुझे रिजल्ट मिला है। तो अभी इस फैब्रिक के ऊपर रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये मैं अभी ट्राई करके देखूँगा। तो दोस्तों, इसमें मैंने ठंडा पानी लिया है, ये ठंडा पानी लिया है, और ये साड़ी हम इसमें डाल रहे हैं। ये जो स्टेन है ना, ब्लड स्टेन, ये इसमें डाल रहे हैं। और हम इस साड़ी को पूरी भी पानी में डिप कर सकते हैं, सोकिंग कर सकते हैं। बट वीडियो देख के अगर किसी ने पूरी साड़ी डाली और अनफॉर्चुनेटली अगर उसका कलर कच्चा हो तो डैमेज हो सकता है, बहुत ही बड़ा डैमेज हो सकता है। इसीलिए मैं ये साड़ी इसमें पूरी डिप नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये पूरी साड़ी पानी में डिप कर सकता हूँ। सिंगल कलर है और ये लेस का भी कलर फिक्स है, लूज नहीं है। बट आपके लिए मैं सिर्फ स्टेन ही डाल रहा हूँ इसमें, ओके। आप भी पूरी साड़ी नहीं डालिए, जब तक आप श्योर नहीं है कलर कच्चा है या पक्का है तब तक आप पूरी साड़ी नहीं डालिए। अभी टाइम हुआ है 10:05, तो अभी मैं देखता हूँ कितने टाइम तक ये स्टेन जाता है। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। दोस्तों अभी बजे हैं 11:03, मतलब 1 घंटा हो गया इस स्टेन को जो हमने रखा था। बीच बीच में इसको मैंने चेक भी किया दोस्तों कि क्या इसकी पोजीशन है क्या नहीं। ये रहा ब्लड स्टेन। अभी ये नॉर्मल वॉश से भी ये पूरा क्लीन हो जाएगा। जो हार्ड स्टेन थे ना वो पूरे चले गए हैं इससे। तो ये अभी नॉर्मल वॉश से भी चला जाएगा। नॉर्मल वॉशिंग में मैं इसमें यूज़ करूँगा IFB लिक्विड डिटर्जेंट, जो आपको ऑनलाइन अगर लेना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जाके ले सकते हैं। सोडा एश यूज़ करूँगा और डिटर्जेंट पाउडर कोई भी नॉर्मल सा मैं यूज़ करूँगा, ओके। तो इसको मैं नॉर्मल वॉश करता हूँ दोस्तों, और लास्ट में आपको दिखाता हूँ क्या रिजल्ट मिला। दोस्तों ये भी पूरी प्रोसेस हो गई है, साड़ी वॉश करके हाइड्रो भी हमने कर दी है। तो ये देख लीजिए, ये साड़ी के शुरुआत में दाग था, और शुरुआत में साड़ी के शुरुआत में ही हर ब्लड स्टेन होता है। इनके बीच बीच में कभी हो जाएगा, बट साड़ी के शुरुआत में ही ब्लड स्टेन था और 100% क्लीन हो गया है। अभी एक फाइनल कंक्लूजन है, किस किस साड़ी के ऊपर के स्टेन जाएंगे, तो ये मैं कुछ एग्जैक्टली बता नहीं सकता हूँ। इस कपड़े पे ये प्रोसेस चल गया, और सिल्क हो आपके पास, अगर कोई मल्टी कलर की साड़ी हो आपने डाल दी उसको पानी में और स्टेन निकालने के चक्कर में हो गई साड़ी ख़राब, तो ये ज़्यादा रिस्की काम है दोस्तों। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप घर पर वॉश कीजिए। अच्छा होगा किसी अच्छे सी लॉन्ड्री में आप साड़ी ड्राई क्लीनिंग के लिए दीजिए। स्टेन जाओ या नहीं जाओ, एटलीस्ट आपकी साड़ी बची रहेगी।
और ये स्टेन अंदर होता है तो पहनने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर स्टेन रह भी जाए तो, क्योंकि कोई एक्सपेंसिव सिल्क वगैरह हो ना तो लॉन्ड्री ओनर इसके ऊपर रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो बस दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे भी क्लिक कर दीजिए, और राधे श्याम भावसार ब्लॉग्स चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।